मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अगले आदेश तक अंतरिम जमानत बरकरार। सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में कहा कि मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तार करने की कोई ठोस वजह नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का स्थायी नागरिक हूं और कहीं भागने वाला नहीं हूं। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अगले आदेश तक उनकी अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। सत्येंद्र जैन की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दलीलें जारी रखेंगे। सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ के सामने सुनवाई हुई। दिल्ली में गला घोंटू गैंग का कहर, महिला को पीछे से आकर दबोचा, पर्स और मोबाइल लूटकर भागा। जानकारी के मुताबिक घटना 6 जनवरी की सुबह 6:30 बजे की है। ठंड के कारण सुबह ज्यादा उजाला नहीं था। एक महिला सड़क से गुजर रही थी, तभी गला घोंटू गैंग का बदमाश पीछे से आया। उसने एक कपड़े की मदद से महिला का गला दबाने की कोशिश की। दिल्ली के द्वारका में गला घोंटू गैंग इन दिनों आम लोगों को अलग तरह से लूट रहा है। दरअसल रास्ते या सड़क पर जैसे ही कोई अकेला दिख रहा है, उसे अपना निशाना बना रहा है। ताज़ा मामला उत्तम नगर क्षेत्र का है। यहाँ सड़क पर अकेले जा रही एक महिला का गला पीछे से आकर दबा दिया, फिर बदमाश उसका पर्स और मोबाइल उठाकर फरार हो गया। सीसीटीवी में ये सभी चीजें कैद हो गई है। डीसीपी द्वारका के मुताबिक आरोपी को 6 जनवरी को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और लूट का सामान बरामद कर लिया गया था। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में जीती इंसाफ की लड़ाई, दोषियों को वापस जाना होगा जेल। 2 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश। बिल्किस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थी और 5 महीने की गर्भवती थी, जब सांप्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। बिल्किस बानो के दोषियों की समय पूर्व रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 11 दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का माफी का आदेश खारिज करते हुए कहा कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सक्षम राज्य नहीं थी। जस्टिस बीवी नागरकना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने आज ये बड़ा फैसला सुनाया है।